स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड 2019 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पार्ट टू। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, 5 मार्क वाले क्वेश्चंस फिजिक्स में। ऑलरेडी वीडियो 1 में हम फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे के कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जिन लोगों ने हमारे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है, कृपया फर्स्ट वीडियो को विजिट कर लीजिए। आज का क्लास प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक्सपीरियंस ट्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कुछ क्वेश्चन इस लॉन्ग क्वेश्चन में। ये जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, उन लोगों से अनुरोध है कि वो इस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि आज स्टार्ट करेंगे उसको देखें। ठीक है, टोटल 18 क्वेश्चंस हैं और ये यहाँ तक हमने फर्स्ट वीडियो में कवर अप किया है। आज बाकी के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे और इस तरह से 4 वीडियो टोटल बनेंगे। इससे आपका टोटल सारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो कवर अप हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 1 to 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, इसलिए क्वेश्चन 5। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन एसी जनरेटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल एन टर्म विद ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, बी पार्ट है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद अ वेलोसिटी 900 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड्स ऑफ इट्स विंग्स हैविंग अ स्पैन ऑफ 20 मीटर। द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 5 × 10⁻⁴ टेस्ला एंड एंगल ऑफ टिप इज 30 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट, द एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला तो ये है, व्हेन द मैग्नेटिक इंडक्शन थ्रू द कॉइल चेंजेस द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। तो यहां तक यदि आप लिख दिए तो हाफ मार्क आपका क्लियर हो गया, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, एज द कॉइल रोटेट्स द मैग्नेटिक फील्ड द इफेक्टिव एरिया ऑफ द लूप दैट इज ए कॉस थीटा exposed to the magnetic field keeps on changing, hence the magnetic flux change and an EMF is induced. ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम आएगा फिर। तो मैं कॉइल क्या, इसमें सिंपल सा है, मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पे, नॉर्थ और साउथ पोल होता है मैग्नेट का, ये मैग्नेटिक फॉइल यहाँ पे रोटेट होता है और मैग्नेटिक फॉइल के रोटेट होने से इलेक्ट्रिक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। बस इतना ही है इसका प्रिंसिपल, और यही डायग्राम और यही वर्किंग है इसका। ठीक है, यहाँ पे 2 स्लिप रिंग्स होते हैं और कार्बन ब्रशेस होते हैं, यहाँ पे ऑल्टरनेटिक करंट जो इंड्यूस्ड हो ईएमएफ के कारण, ये ऑल्टरनेटिक ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, अच्छा, व्हेन अ कॉइल रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा द एंगल थीटा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी एंड एरिया वेक्टर ए ऑफ द कॉइल एट एनी इंस्टेंट टी इक्वल्स ओमेगा टी अज्यूमिंग थीटा इज 0 एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, as a result the effective area of the coil exposed to the magnetic field changes with time the flux at any instant t is given by phi b is equal to nba cos theta phi b is equal to nba cos theta that is nba omega t theta ke badle mein hum kya likhenge omega t theek hai acha ab
the induced EMF E is equal to minus n d phi by dt of minus n ba d phi by dt cos omega t. That is E is equal to kitna ho jayega minus यहाँ पे cos omega t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तो sin omega t तो n b a omega sin omega t हो गया ये EMF का एक्सप्रेशन. अब बी पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड ऑफ द विंग्स E इज इक्वल टू बी एल वी. वी कितना है वेलोसिटी 900 किलोमीटर पर आवर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए ठीक है इनटू 1000 अपॉन 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए बस. विंग स्पैन कितना है 20 मीटर एल कितना है 20. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बी वी इज इक्वल टू बी एच 10 10 डेल्टा. डेल्टा क्या है डिप एंगल ऑफ डिप. तो ये बी एच का वैल्यू आपको दिया गया है 10 डेल्टा 30 डिग्री. तो इतना टेस्ला हो गया. इसको सारे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सारा बी वी का वैल्यू ऊपर में बैठा दीजिए. हाँ तो यहाँ पे इसको बैठा दीजिए सारे वैल्यूज और इसको सॉल्व कर दीजिए. ये कितना हो गया 1.44 वोल्ट इतना हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन आपका पूरा हो गया. अब सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन में है अ डिवाइस एक्स इज कनेक्टेड अक्रॉस अ एसी सोर्स वोल्टेज वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. द करंट थ्रू एक्स इज गिवन एज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू ए इज इक्वल टू. अब इतना दिया हुआ है. अब इसके चार पार्ट्स हैं. आइडेंटिफाई द डिवाइस एक्स एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स रेजिस्टेंस. फिर बी है ड्रॉ ग्राफ शोइंग वेरिएशंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद टाइम ओवर वन साइकिल एसी फॉर एक्स. सी है हाउ डज द रिएक्टेंस ऑफ द डिवाइस एक्स वेरी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी. सो दिस वेरिएशन ग्राफिकली ठीक है. ड्रॉ ए फेजर डायग्राम ऑफ द डिवाइस एक्स. तो ये सारे क्वेश्चन हैं एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे. तो एक्स पहला पार्ट है एक्स क्या है एक कैपेसिटर है. तो रिएक्टेंस एक्स सी इज इक्वल टू 1/ωc हो गया. और ओमेगा को हम 2πν c लिख सकते हैं. ये हो गया आपका वैल्यू रिएक्टेंस का. अब बी बी पार्ट है आपको ग्राफ बनाना है. तो हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस में ओमेगा टी को लेंगे और सॉरी एक्स एक्सिस में पाई 2π और ये सब लेंगे और ओमेगा टी को लेंगे. तो ओमेगा टी वन यहाँ पे आया इसको एक सॉल्व एक नॉर्मल साइन कर्व आएगा. तो इस तरह से एक ये ग्राफ बनेगा साइन कर्व का जो भी ठीक है. और उसी तरह एक ग्राफ बनाएंगे इसमें से आई आई से होके जाएगा. अच्छा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब सी देखिए सी पार्ट में रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर वेरीज विद द इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी. तो एक्स सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी न्यू ठीक है. ये न्यू है और उसका यदि ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शन का ग्राफ ऐसा ही होता है मीन्स एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा. तो एक्स सी यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा तो न्यू जब बहुत कम था एक्स सी बहुत ज्यादा था और न्यू जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा एक्स सी क्या होता गया कम होता गया. एक टाइम में वो एकदम मिनिमम हो गया एक्स सी और न्यू उस टाइम मैक्सिमम है. और लास्ट है डी पार्ट फेजर डायग्राम. तो यहाँ पे ये कुछ नहीं है सिंपल सा है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू और यहाँ पे ये वी साइन ओमेगा टी और एंगल कितना है ओमेगा टी वन यहाँ पे और ये परपेंडिकुलर है वी साइन ओमेगा टी और ये है आई और ये है वेक्टर वी. बस इतना ही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 Describe a simple experiment or activity to show the polarity of EMF induced in a coil all is always such that it tends to produce a current which opposes the change
of magnetic flux that produces it. B part है, the current flowing through a inductor of self inductance L is continuously increasing. Plot a graph showing the variation of first magnetic flux versus the current, second induced EMF versus di upon dt, or third है magnetic potential energy stored versus the current. इन तीन expressions के लिए बनाना है. तो पहला part है, in the experiment where north pole of the magnet is moved towards the coil, the upper face of the coil acquire the north polarity. So work has to be done against the force repulsion bringing the magnet closer to the coil. So when the north pole is moved, to pehla figure, north pole jab move karega to kya hoga aur south pole jab move karega to kya hoga. तो यहाँ पे गैल्वेनेटर इस साइड में जाएगा और साउथ जब वो नॉर्थ पोल अवे होगा तो क्या होगा, यहाँ पे गैल्वेनेटर उल्टे साइड में जाएगा. ठीक है, व्हेन द नॉर्थ पोल इज मूव्ड अवे साउथ पोलैरिटी इज डेवलप्ड ऑन द अपर फेस ऑफ द क्वाइल, देयरफॉर वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेकिंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द क्वाइल. Mechanical work done is converted to electric energy of the coil and the magnet does not move. Work done is zero. Therefore, induced current is also not produced. Since work done is zero, therefore no induced current is produced. Ab B1, since where L is the strength of the current through the coil, then एल नहीं, इसको आई कर लेते हैं. तो एट एनी टाइम तो फाइ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ऑल टर्न्स ऑफ द क्वाइल एट दैट टाइम एंड एल इज द कांस्टेंट पोलैरिटी कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है, तो ये हो गया इसका ग्राफ. दूसरा दूसरा पार्ट है इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो E इज इक्वल टू डी माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो डी माइनस डी एल आई बाई डी टी, तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. ये हो गया, इसको x एक्सिस में और इसको y एक्सिस में रखा तो ये अपना ये ग्राफ आ गया. और थर्ड वाला, सिंस द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, U is proportional to I square. So the graph of E is directly proportional to I square. तो graph कैसा होगा, I को x axis में और U को y axis में लेंगे तो ऐसा graph आएगा, इसको याद रखिएगा. तो ये हो गया आपका next question पूरा. अब question number 8. A series LCR is connected to a AC source having voltage V is equal to Vm sin omega t. Derive an expression for the instantaneous current I and its phase relationship to the applied voltage. Obtain the condition for resonance to occur. Define power factor, state the condition under which it is maximum and minimum. Take phase difference between the voltage and current, 10 theta is equal to L XL minus XC upon R, equation 1. ये होता है, आपको पता ही है. अच्छा, I not is equal to V not upon 2, तो V not upon ये under root L XL minus XC का whole square plus R square. और उसके बाद expression of AC is equal to कितना हो जाएगा, I is equal to I not sin omega t. अच्छा, कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस मस्ट बी इक्वल टू एक्सएल इज इक्वल टू एक्स एक्ससी, एक्सएल इज इक्वल टू एज एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी. ठीक है, एक्सएल के बदले में हम क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट एल, और एक्स सी के बदले में क्या लिखेंगे, वन बाई ओमेगा नॉट सी. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ओमेगा स्क्वायर हो गया, नॉट स्क्वायर हो गया, अपॉन इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी, इतना हो गया.
where omega naught is equal to resonant angular frequency, impedance become minimum and equal to ohmic resistance. Z is equal to Z minimum is equal to R. AC becomes maximum. So I max is equal to V max upon Z minimum, V max upon R. Voltage and current arrives in the same phase. Power factor in an AC circuit, the ratio of true value composition and virtual power composition is termed as power factor. Cos phi is equal to P average upon V RMS, I RMS, true power is equal to upon apparent power. So cos phi is equal to R upon Z, that is R or Z ka value yahan pe bita diye, under root R square plus XL minus XC ka whole square. Ye hota hai. The power factor is maximum when cos phi is equal to plus 1 or LCR series mein AC circuit when circuit is in resonance. The power factor is minimum when the phase angle between V and I is 90 degree. That is the pure inductive current and pure capacitive AC circuit. Usme minimum hota hai power factor. तो ये था आपका फुल क्वेश्चन. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन व्हेन द कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. बी है ऑब्टेंड द मिरर फॉर्मूला एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर द लीनियर मैग्निफिकेशन. सी है एक्सप्रेस टू एडवांटेजेस ऑफ reflecting telescope over a refracting telescope. तो ये तीन questions हैं. तो सबसे पहले ये image आप दिखा दीजिएगा, ठीक है, पहला part. तो कहाँ image form होगा, just image बताना है आपको. अच्छा, second part इसी से related है. तो देखिए, first part में दो triangle है, triangle BAP और ट्रायंगल B डैश A डैश P. तो कहाँ है BAP ये वाला ट्रायंगल और B डैश A डैश P डैश ये वाले ट्रायंगल में BA अपॉन ये दोनों सिमिलर हैं, करेक्ट. और तो BA अपॉन B डैश A डैश इज इक्वल टू PA अपॉन P डैश P डैश. इनके PA डैश इनका साइड का रेशियो इक्वल होगा, इक्वेशन वन हो गया. सिमिलरली MNF, triangle MNF, देखिए MN और F, ये वाला triangle और B' A' F, B' A' और F, ये वाला triangle, ये दोनों triangle similar हैं, तो इनके side के ratio भी equal होंगे. MN upon B' A' is equal to NF upon F A dash as MN is equal to PA. ये equation 2 हो गया. अब हम लिख सकते हैं as MN is equal to BA. देखिए MN जो है BA के equal है, आप देख लीजिए यहाँ पे MN AB के equal है ना, ये वाला इसके equal. और यदि ये दोनों equal है तो हम NF is approximately equal to PF लिख सकते हैं. NF कहाँ गया, NF ये वाला PF के इक्वल है, P नहीं, NF यहाँ पे NF और यहाँ से ये PF इक्वल है, NF यहाँ से स्टार्ट करके और PF NF इक्वल है, क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस है उसके बीच में, ठीक है. अब हम एनएफ के बदले पी एफ ए डैश लिख सकते हैं और पीएफ के बदले पी ए डैश माइनस पी एफ लिख सकते हैं. इक्वेशन टू से हम क्या लिख सकते हैं, बी ए डैश बी ए अपॉन बी डैश ए डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी ए डैश माइनस पी एफ लिख सकते हैं. ये वाला वैल्यू यहाँ पे बैठा दीजिए एफ ए डैश के बदले में.
और NF के बदले में आप BA बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। और इक्वेशन वन और टू से, इक्वेशन वन और टू से, तो बी ए डैस बी ए अपॉन बी ए डैस बी डैस ए डैस है, यहाँ पे भी बी ए अपॉन ए दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, पी ए डैस पी ए अपॉन पी डैस ए डैस इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी डैस, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट में पी ए अपॉन पी डैस ए डैस इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी डैस पी ए डैस माइनस पी एफ। फॉर द गिवन फिगर पर एज पर द साइन कन्वेंशन, पी ए इज इक्वल टू माइनस यू और पी ए डैस इज इक्वल टू माइनस वी, पी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ, कोऑर्डिनेट का एक्सिस के साइन कन्वेंशन लेंगे और सारे यू में यहाँ पे पी ए के बदले में माइनस यू, पी ए डैस के बदले माइनस पी और पी एफ के बदले माइनस एफ बैठा देंगे, तो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, और इतना आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे कितना, यू वी एफ से। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा, इस पूरे को हम यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए क्या होता है, माइनस बी बाई यू होता है, और हम अल्टरनेटली ये भी लिख सकते हैं, एच वन अपॉन एच आई अपॉन एच ओ, मीन्स हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एडवांटेजेस, आपको कोई दो लिखना है इनमें से, तो पहला एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कितना हो जाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट इज ईजियर, और दूसरा मैग्नीफाइंग पावर इज लार्जर, तीसरा आपको कोई दो लिखना है, रिजॉल्विंग पावर इज, ये नहीं कि पांच लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क मिलेगा, नहीं, सिर्फ दो लिखने को कहा है तो दो ही लिखना है। ठीक है, मैं पांच लिख दिया, आपको याद रहेगा, कोई इनमें से कोई दो लिखना है, तो रिजॉल्विंग पावर इज लार्जर, स्फेरिकल एब्रेशन इज रिड्यूस्ड एंड फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड वीडियो खत्म होता है, और बाकी के दो वीडियो के लिए और अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के वीडियो के लिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को विजिट कीजिए, आपको उसमें वहाँ पे सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के मिल जाएंगे, प्लस ये लॉन्ग क्वेश्चंस वाले भी वीडियोस मिल जाएंगे। आज का क्लास यहीं तक है, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो, और आपको एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, इन शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।